अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने इस कुर्ते के ऊपर डिज़ाइनिंग कैसे की है। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ये देखिए, ये बिल्कुल ही सिंपल था, बस इसके ट्राउज़र पर लेस लगी थी और यहाँ पर दामन पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अब इसे डिज़ाइन कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इसका सिंपल सा नेक बनाया है। ये देखिए, इसकी कढ़ाई आपको नज़र आएगी। ये देखिए, यहाँ पर तो इतनी वाजिया नज़र नहीं आ रही थी ना, और इसका ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, ये देखिए, ये मैंने बनाया है टफ़ बुकरम के साथ बनाया है। इसके अंदर टफ़ बुकरम लगाई है और इसकी ये पट्टियाँ बनाकर और इसका जाल बना दिया है। इसको सबसे पहले तो कागज़ पे बनाना पड़ेगा, फिर इस पे अटैच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अदरवाइज़ कोई भी तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो ख़राब हो जाता है। और इसके ट्राउज़र पर ये देखिए, ठीक है, ये बारीक सी तीन चार प्लेट्स, चार प्लेट्स डाल दिए हैं। लुक एट दिस, ये पहनकर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा कुर्ता पजामा। जल्दी से इसकी दामन की पिक्चर बना लें ताकि आप जल्दी से अपने ड्रेस से भी ये डिज़ाइन बना लें। ओके, देन मैंने आपको नेक्स्ट दिखा। तो नेक्स्ट ये है, ये देखिए कितना सिंपल सा उन्होंने कुर्ता स्टिच किया हुआ था। तो मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इसका एक डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए, इसका सबसे जो, ये देखिए, ज़बरदस्त डिज़ाइन है ये। ये देखिए, ये है, मैंने ये कॉर्नर्स पे बनाया है। ये देखिए, ये मैंने दोनों कॉर्नर्स पे बनाया है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा बीच में से ओपन रखा है क्योंकि मुझे कुर्ता छोटा करना था तो वो लंबा ज़्यादा अच्छा नहीं लगना था। और ये देखिए, सिंपल साइज का नेक बना लिया। बाजू ऑफ कोर्स इसके सिंपल, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा हैवी नहीं करना था क्योंकि मेरे बाकी ड्रेस थोड़े हैवी थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़े से सिंपल डिज़ाइनिंग कर लूँ। इसलिए लुक एट दिस, जल्दी से इसकी पिक्चर बना लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, इसका ये है दुपट्टा, जो कि इसके साथ ज़रा भी मैच नहीं है, लेकिन डिज़ाइनर है तो क्या करें।